हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमरेंद्र कुमार लाल, प्रवक्ता भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षा में मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत पैवलोव द्वारा दिए गए सीखने के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले कुछ कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये कारक वे कारक हैं जिनको पैवेलियन के सिद्धांत के अंतर्गत सीखने के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। अगर हम इन कारकों का ध्यान नहीं रखेंगे तो जो चीज़ हम शिक्षार्थी को सिखाना चाह रहे हैं पैवेलियन अनुबंधन के माध्यम से, वो अच्छी तरीके से हम नहीं सिखा पाएंगे। तो हम आइए चर्चा करते हैं इन कारकों पर। पहला कारक जो पैवेलियन अनुबंधन के अंतर्गत आता है वो है समय कारक। जैसा कि हम जानते हैं कि पैवलोव ने अपने प्रयोग में दो तरह के उद्दीपकों का प्रयोग किया था, एक स्वाभाविक उद्दीपक और एक अस्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस और अस्वाभाविक उद्दीपक कंडीशनल स्टिमुलस, जो कि क्रमशः भोजन और घंटी थे। तो पैवलोव कहते हैं कि स्वाभाविक उद्दीपक को रिप्लेस अगर हम अस्वाभाविक उद्दीपक से करना चाहते हैं तो दोनों उद्दीपकों के मध्य समय का अंतराल बहुत ही कम होना चाहिए। ये समय का अंतराल लगभग 0.4 से 0.5 सेकंड के बीच रहना चाहिए या इससे भी कम। अगर हम समय का ख्याल नहीं रखेंगे और समय को कम नहीं रखेंगे तो जो अस्वाभाविक उद्दीपक है वो स्वाभाविक उद्दीपक की जगह नहीं ले पाएगा। इसलिए हमें इन दोनों उद्दीपकों के मध्य समय का अंतराल बहुत ही कम रखना पड़ता है। दूसरा जो कारक है वो है तीव्रता का सिद्धांत। पैवलोव बताते हैं कि अपने प्रयोग में कि जो हमारा अस्वाभाविक उद्दीपक है वो स्वाभाविक उद्दीपक से काफ़ी तीव्र होना चाहिए। जैसे कि उन्होंने अपने प्रयोग में घंटी की आवाज़ को काफ़ी तीव्र रखा। यदि अस्वाभाविक उद्दीपक की तीव्रता स्वाभाविक उद्दीपक से कम होगी तो हमारा जो प्रयोज्य है वो अस्वाभाविक उद्दीपक की ओर ध्यान नहीं देगा, जिससे कि हम जो काम कराना चाह रहे हैं अपने प्रयोज्य से वो कार्य नहीं हो पाएगा। फिर तीसरा जो कारक है वो है प्रेरणा का कारक। पैवलोव कहते हैं कि कोई भी चीज़ सिखाने के लिए हमें मोटिवेशन उत्पन्न करना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रयोग में उन्होंने कुत्ते को भूखा रख के मोटिवेशन उत्पन्न किया था। यदि कुत्ते को वो भूखा नहीं रखते तो चाहे स्वाभाविक उद्दीपक होता या अस्वाभाविक उद्दीपक होता, कुत्ते का ध्यान कभी भी उन उद्दीपकों की ओर नहीं जाता यदि वो अभिप्रेरित नहीं होता, अर्थात वो भूखा नहीं होता। अगला जो कारक है वो है पुनरावृत्ति का कारक। पैवलोव ने अनकंडीशनल स्टिमुलस को कंडीशनल स्टिमुलस से रिप्लेस ऐसे ही नहीं करा दिया था। इसके लिए उन्होंने अपने प्रयोग को बार बार दोहराया था, तब जाकर कंडीशनल स्टिमुलस ने अनकंडीशनल स्टिमुलस की जगह ली थी। अतः हमें पैवेलियन अनुबंधन से सिखाने के लिए उस कार्य को बार बार उसकी पुनरावृत्ति करानी पड़ेगी। इसके बाद पांचवा सिद्धांत है व्यवधान का सिद्धांत। पैवलोव कहते हैं कि पैवेलियन अनुबंधन से सिखाने के लिए हमें जहाँ पे हम जो ये चीज़ सिखा रहे हैं वहाँ पे किसी भी तरीके का व्यवधान नहीं होना चाहिए। चाहे वो सीधे हमारे प्रयोज को अफेक्टेड करता हो या अफेक्टेड ना करता हो किसी भी प्रकार का। इसीलिए उन्होंने अपने प्रयोग में जो प्रयोगशाला का प्रयोग किया था उसको ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला रखा था कि बाहरी कोई भी उद्दीपक अब उसका ध्यान अब उनके प्रयोज का ध्यान ना भटका सके, क्योंकि यदि प्रयोज का ध्यान भटकेगा तो जो हम अपेक्षित परिवर्तन करना चाह रहे हैं वो परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अंतिम जो कारक है वो है पुनर्वन का कारक। पैवलोव कहते हैं कि हमें पुनर्वलन का ध्यान देना चाहिए कोई भी चीज़ सिखाने के लिए। यदि हम पुनर्वलन का प्रयोग नहीं करेंगे तो जो शिक्षार्थी है वो भविष्य में
उसको वही कार्य करने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। और यदि हम पुनर्वनन का प्रयोग करते हैं तो भविष्य में वो वैसा ही कार्य करा पाएंगे जैसा कार्य हम सिखाना या कराना चाहते हैं। तो ये थे पैवेलियन अनुबंधन के अंतर्गत आने वाले कुछ कारक जिनके सहारे ही पैवलाव के अनुबंधन द्वारा हम शिक्षार्थी को सिखा सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे।